हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक इनामदार फ्रॉम की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी और आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज आरटी रेंडरर इन वीरे। सो जनरली बहुत से स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि वीरे एडवांस, हमेशा हम वीरे एडवांस लेते हैं। सो बहुत और एक रेंडर वीरे के साथ में आता है, वो है वीरे आरटी, राइट। सो बेसिकली वीरे आरटी इज़ अ रियल टाइम रेंडरर, मतलब जैसे कि मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ वो तुरंत मुझे रेंडर करके दिखा देता है, और इन द सेंस एडवांस में मुझे सेटिंग करना पड़ता है, भले वो लो करो हाई करो बट मुझे सेटिंग करके रखना पड़ता है और मैं रेंडर करता हूँ। बट ये जो आरटी वाला रेंडर है, मैं पर्सनली आर्किटेक्चरल पर्पज़ के लिए मैं नहीं यूज़ करता। इसका कारण ये है कि जब भी मैं एक तो मेरे पास एडवांस में एक ऑप्शन है कि मैं टेस्ट वेंडर का प्रीसेट बना के सेव करूं, और प्रीसेट बनाने के बाद अगर मुझे वो अच्छा लगे तो मैं फाइनल वेंडर के पास जाऊं। और टेस्ट वेंडर मेरा ऐसा होता है कि विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स मेरा रेंडर हो जाता है। सो ये ऑप्शन मैं आरटी में रुकना पड़ता है, आपके ग्राफिक कार्ड उतना बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है अगर आप आरटी यूज़ करोगे तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट दिस टॉपिक। सो मैं यहाँ आरटी सेलेक्ट करता हूँ रेंडरर में, और यहाँ आपको एक्टिव शेड ऑन करना है, राइट। अगर मैं यहाँ एक्टिव शेड ऑन करता हूँ तो ये निकल जाता है, ठीक है। मेरे पास एक ही टाइप रहता है, वीरे आरटी। और जैसे कि ट्रेस डेप्थ है, ये इसका कैलकुलेशन है, बेसिकली GI का कैलकुलेशन है, ट्रेसिंग का कैलकुलेशन है। और दूसरी बात, जितना मैं वैल्यूज़ उसका कम करते जाऊं उतना वो जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। सबसे मेन चीज़ है वो है यहाँ इंजन टाइप, मुझे कौन सा इंजन यूज़ करना है। अगर मेरा CPU है, मतलब जो प्रोसेसर लगा हुआ है उसके ऊपर मुझे, उसके ऊपर से मुझे रेंडर करना है तो CPU यूज़ करना है। बट जनरली जो भी अपना विजुअली रिप्रेजेंटेशन होता है या विजुअली अपने को जो रेंडर दिखता है, वो सारा चीज़ हमारा ग्राफिक कार्ड ही संभालता है, राइट। जैसे कि ओपन GL होता है, ऑनबोर्ड ग्राफिक कार्ड, वैसे ओपन CL है कि जिसमें ATI रेडियन का कार्ड होगा तो ओपन CL उसको सपोर्ट करेगा। NVIDIA कूड़ा को सपोर्ट करता है, राइट। अभी जितने भी अच्छे ग्राफिक कार्ड मिड रेंज में हैं, नॉट लो रेंज, मिड रेंज में, सारे कूड़ा सपोर्टेड होते हैं। इन द सेंस कूड़ा में कितना, हाउ मेनी कूड़ा वी आर एडिंग, वो बात अलग है, बट कूड़ा सपोर्टेड होते हैं, राइट। सो मैंने अभी यहाँ क्या किया है, मैंने कूड़ा सपोर्ट किया है, ठीक है। सो कूड़ा करने के बाद यहाँ एक टैब बंद है, वीरे आरटी रेंडर डिवाइस सिलेक्टेड, मैं ये ओपन करता हूँ। तो यहाँ जो भी अपना ग्राफिक कार्ड रहेगा तुम्हारा PC में, वो यहाँ शो करेगा। अगर इसके अलावा भी इसमें जितने भी, मतलब कूड़ाज अच्छा वाला ग्राफिक कार्ड रहेगा, वो सारा चीज़ यहाँ शो करेगा। सो ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं कि मुझे यूज़ करना है या नहीं करना है। जैसे कि मैंने यहाँ से, अगर मैंने CPU रख दिया तो CPU, मतलब हम CPU नहीं चूज़ कर सकते वहाँ से, वो डायरेक्टली CPU ले लेता है। ओपन CL, तो यहाँ ओपन CL आएगा, ये मैं ओपन करता हूँ सी, यहाँ ओपन CL सिलेक्ट ही नहीं करे, मतलब सपोर्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास वैसा है ही नहीं। इवन इंटेल का भी ग्राफिक कार्ड सपोर्ट नहीं करता, AMD विथ NVIDIA ग्राफिक कार्ड कूड़ा सबको सपोर्ट करेगा। सो मैं यहाँ से कूड़ा लेता हूँ, ठीक है, और मैं एक बार यहाँ से रेंडर प्रेस करता हूँ। सो यूजिंग GPU डिवाइस विथ डिस्प्ले अटैच विथ फॉर रेंडरिंग, UI might be sluggish। ये लोड होने को थोड़ा टाइम लेता है, और मेरा 710 है ग्राफिक कार्ड, जो यहाँ लेक्चर PC में है वो लगाया हुआ है। इट इज़ नॉट सो स्ट्रांग, इवन मतलब 9 सीरीज़ का मैं रिकमेंड करता हूँ अगर रियल टाइम में यूज़ करना है तो। सबसे मेन चीज़, आरटी रेंडर कहाँ यूज़ होता है, आरटी रेंडर प्रोडक्ट मॉडलिंग, प्रोडक्ट रेंडरिंग,
नॉट मॉडलिंग, बेसिकली मॉडलिंग करने के बाद जब भी हम लाइटिंग और उसको रेंडरिंग करते हैं तभी यूज होता है। सो मैं जैसा भी अभी ये यहाँ शेड ऐसा रखता हूँ, मैं जस्ट ऐसे उसको घुमाया तो यहाँ मेरा रेंडर हो गया, राइट। दिस इज़ अ रियल टाइम अपने को अपडेट मिलता रहता है, जैसे कि मैंने थोड़ा सा उसमें कलर चेंजेस किया, ये मैं ठीक है रिफ्लेक्शन में मैं ब्लैक लेता हूँ पहले, सी जो कलर डिफरेंस आ रहा है, सी यहाँ से मैंने वापस जो भी मेरा रिक्वायरमेंट है मैंने वो लिया, वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर आप देखोगे कि इतने टाइम में मुझे तुरंत अपडेट मिल जाता है, अगर मेरा ये विंडो ऐसा ही रखा तो यहाँ स्टॉप है, दैट मींस इट इज़ रेंडरिंग, इसका बैकएंड में रेंडरिंग चालू है। जब तक आप एस्केप प्रेस नहीं करोगे या तो स्टॉप प्रेस नहीं करोगे, आपका वो रेंडरिंग चलता ही रहेगा जब तक वो फाइन ट्यून नहीं करेगा, राइट। सो मैं यहाँ पे आता हूँ ये विंडो पे, और इसका एक तरीका है कि थोड़ा सा और फास्ट कर सकते हैं इसको। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें वैल्यू 192 समथिंग होता है, मैंने 90 कर दिया है, और यहाँ होता है 8, मैंने 4 रखा है। सो लेट डू 40 एंड मे बी समथिंग लाइक 2, उसका रेस कम करते हैं तो उसका क्या होगा, उसका बफर टाइम कम हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे से ऐसे तुरंत देखो, कंपैरेटिवली जो पिछले वाला जो अपडेट था वो उससे ज़्यादा आ रहा है। और येस ऑफ कोर्स आपको तो नॉइस का तो फंडा पता है, अगर नहीं पता है तो मेरे पिछले वाले वीडियोस देख लेना, मैंने उसके ऊपर नॉइस कैसे हैंडल करना है, सब डिविजन्स कैसे हैंडल करना है, वो सारे वीडियोज़ मैंने बनाए हैं। सो मैं यहाँ 0.5 लेता हूँ, जितना पॉइंट मतलब टूवर्ड्स मैक्सिमम वैल्यू उतना ज़्यादा नॉइज आएगा और तुरंत रेंडरिंग होगा। सी मेरा अभी व्यूपोर्ट भी हल्का हो गया, राइट। सी ठीक है, ये यहाँ से कम कर लिया और हल्का हो गया। सी ठीक है, अभी तो मैं जैसे मूव कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ अपडेट मिलते जा रहा है, क्योंकि ये कूड़ा पे मैं अभी कर रहा हूँ। सो व्हाट विल हैपन इन सीपीयू देख लेंगे, मैं यहाँ से स्टॉप कर लेता हूँ। मैं एस्केप प्रेस करता हूँ और ये रुक गया, राइट। और यहाँ पे आता हूँ और लेता हूँ सीपीयू, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या लेना है, उसको वीरे प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट भी लेना है, ऐसा है ये, मतलब ये सारा ऑन रहता है, मैंने ऑफ़ कर लिया है, ये सारा ऑन रहता है क्योंकि अभी है नहीं ये चीज़, प्रॉक्सी में नहीं है, तो प्रॉक्सी अगर रहता तो और हल्का होता था। और दूसरी बात, स्टीरियो मोड है, स्टीरियो मोड यानी 3D जो गॉगल्स हम करते हैं, जो VR होता है, वो भी डायरेक्टली हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पहले CPU देख लेंगे, अगर मैंने यहाँ से वापस इसको क्लियर करवाता हूँ, यस ये बंद करता हूँ और यहाँ से रेंडर करता हूँ, राइट। ये देखो अभी हुआ ये कि जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू ग्राफिक कार्ड, तो यहाँ पे बिल्कुल भी मेरा चीज़ यहाँ लैग नहीं कर रहा है कंपेयर टू कूड़ा, राइट। सो दिस इज़ अ डिफरेंस। आपके पास अगर एक्टिव शेड आपको चाहिए, मतलब एक्टिव शेड मतलब ये व्यूपोर्ट में अगर आप देखोगे यहाँ से, तो मेरा जो भी एक्टिव शेड होता है यहाँ से, ठीक है, कोई भी एक व्यूपोर्ट का एक्टिव शेड होता है, मैं यहाँ से एक्टिव शेड कर लेता हूँ। सो जब भी मैं इसको मूव करता हूँ, यहाँ मेरा व्यूपोर्ट भी स्लगिश नहीं है, यहाँ मेरा एक्टिव शेड भी स्लगिश नहीं है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द PC टू PC, आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है तो आप CPU के ऊपर रह सकते हो, और कूड़ा मतलब NVIDIA का अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्राफिक कार्ड है तो RT यूज़ कर सकते हो, राइट। सो और दूसरी बात, यस अगर आपका ये रेंडर अच्छा लगे, सो मैं क्या करता हूँ,
मतलब मेरा अप्रोच कैसा है कि ठीक है मेरा, मुझे एक आरटी में ये चीज़ अच्छी लगी, सो आई कैन स्विच बैक टू प्रोडक्शन रेंडरिंग एंड फिर बाद में तुम यहाँ से उसको फाइनल रेंडर कर सकते हो जो अपने को फाइनल रेंडर फाइनल सेटिंग के साथ आपको चाहिए। मतलब होता क्या है, काम करते वक्त आपको शेडिंग करते वक्त बार 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 रेंडर करने की जो ज़रूरत पड़ती है वो सीपीयू या तो आरटी में रख के या तो कूड़ा में रख के आपको तुरंत उसका आउटपुट मिल सकता है। सो दिस इज़ द वीडियो फॉर टुडे। शायद आपको क्लियर हुआ रहेगा आरटी कब यूज़ करना है, मतलब कैसे यूज़ करना है, डिफरेंस बिटवीन आरटी, व्हाट इज़ आरटी बेसिकली, रियल टाइम रेंडर एंड प्रोडक्शन रेंडर। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ डू लेट मी नो। और ये आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।